अब कुछ बात कर लेते हैं ओपीडीज की। वज़ीर सेहत से मुज़ाकरात के बाद यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। सरकारी हस्पतालों की ओपीडीज में मामूल के मुताबिक काम भी जारी है। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं बिलाल चौधरी से। बिलाल बताइएगा इन मुज़ाकरात से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, शेख जायद हॉस्पिटल रहीम या खां के वाक़े पर यंग डॉक्टर्स की जानिब से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हस्पतालों की ओपीडीज़ को बंद कर दिया गया था, लेकिन कल वज़ीर सेहत के साथ इनके जो मुज़ाकरात थे वो कामयाब हो गए थे और आज लाहौर समेत पंजाब भर की ओपीडीज़ को खोल दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ म्यों हॉस्पिटल की ओपीडी के बाहर और यहाँ पर आज हज़ारों की तादाद में जो मरीज़ थे अपना इलाज मुआवजा करवाने के लिए आए हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि आज हम खुश हैं कि तीन दिन के बाद जो ओपीडी बंद थी जहां पे इलाज मुआवजा नहीं किया जा रहा था, आज यंग डॉक्टर्स की जानिब से यहां पे इलाज मुआवजा किया जा रहा है। कुछ यहां पे हमारे साथ मरीजों के वाकिन भी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि आज ओपीडी में इलाज मुआवजा खुलने पर वो कितने जो है वो खुश हैं और उनका जो इलाज मुआवजा कैसा किया जा रहा है। ये अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि इनका जो भी मसला था वो हल हो गया, तो आज खुशी हुई है हमें बहुत ना कि डॉक्टरों ने ये ओपीडी हड़ताल ख़त्म कर दी है ताकि हमारा इलाज वगैरह हो सके। हम बड़ी बड़ी दूर से आए हुए हैं, यहाँ पे जरील होते हैं आके, डॉक्टर हड़ताल करते हैं रोज़, आए दिन हड़ताल हो जाती है इनकी, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज अलग तो जैसा कि आपने सुना की जन से कहा जा रहा है कि हम दूर दराज के इलाकों से आते हैं पैसे खर्च के करके यहाँ पे आते हैं, लेकिन जब आके यहाँ पे पता चलता है कि डॉक्टर्स की जानिब से यहाँ पे हड़ताल है तो बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज इनकी जन से कहा जा रहा है कि हम खुश हैं कि ओपीडीज में काम एक दफ़ा फिर से चल पड़ा है और यहाँ पे मरीजों का इलाज मुआवजा जो है वो किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका।